खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। ये पहला शब्द गुरु हरकृष्ण साहब जी दी उस्तत विच मैं की दसा, जे दिल्ली विच कोई हार्ट दा डॉक्टर है वो हड्डियां दा इलाज नहीं करता, हड्डियां दा डॉक्टर है वो अखां दा इलाज नहीं कर सकता, कोई अखां दा डॉक्टर है वो दिमाग दा इलाज नहीं कर सकता, कोई हार्ट दा है वो नक कन गले दा नहीं। पर यकीन जा रहे हो गुरु हर कृष्ण साहब एहो जे वैद ने जेडे सारे इलाज कर सकते हैं। मेरे महाराज दी पांच जगह ते अमृत वरसदा सी, तुहाडे दिल्ली च ही वरसिया। जिन्हों गुरु हर कृष्ण साहब राजी करदे सी पांच जगह ते अमृत सी, नेत्रां च, रसना च, हिरदे च, हथां च, पैरां च, कह दिओ गज के साथ। किसे अल नेत्र प्यार नाल भर के वेख लैंदे सी उहनूं राजी कर दिंदे, कितें हथां विच छड़ी सी उह रख दिंदे सी ते राजी कर दिंदे, किधरे रसना राही हिरदे राही चरना राही कह दो गज के सतनाम। सतगुर पूरा वैद है ते एक बड़ी प्यारी संस्था जमुना पार दी शब्द चौंकी जगा गुरुद्वारा शीश गंज साहब दोवें दिहाड़े मना रहे हैं, 550 साला भी ते बाला प्रीतम जी का भी। पहला शब्द बाला प्रीतम के चरणों में उस्तत की हाजरी, आओ हुण गुरु नानक साहब जी के प्यार विच सारे कृपा करे जी। गुरु नानक जा को पया दयाला, गुरु नानक जा को पया, गुरु नानक जा को पया दयाला, गुरु नानक जाको सगल को हो आसू कर कृपा गुर दीनो ना, बल बल तिस सतगुर को जाओ।
गुरपूरा पायो मेरे भाई, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनाशे, रोग सोग सब दुख विनाशे, सतगुर की शरण आई, गुरु नानक जागो भया। सगले फल पै अगन बुझी सब होई शांत, हर कृपा गुर की नीता, निथावे को गुर दीनो ठा, निमाणे को गुर कीनो मां, बंधन काट सेवक कर रख, अमृत बाणी रसना वड़े भाग पूज गुर चरणा, सगल त्याग पाई प्रभ शरणा, सगल त्याग पाई प्रभ शरणा, गुर नानक जागो पया दया, गुर नानक जागो पया investing in mutual funds with simplicity and convenience. With our revamped online transaction portal, a new and fantastic way. Bye.
गुरु रामदास दी नगरी तो आया सारा जथा ये मैं अंदरों कह रहा एक पैहा पखंड नहीं सब तो पहला गुरु रामदास दी नगरी तो सारा आया जथा दिल्ली जमुना पार दियां सारियां संगतां दे चरणां ते सारा जथा मथा टेकदा भाई परवान करे रागी वड्डा नहीं कीर्तनिया वड्डा नहीं ज्ञानी वड्डा नहीं विद्वान वड्डा नहीं अंदर वसालो सब तो वड्डी गुरु दी संगत है संगत महा संगत बड़ी इहदे विच ही गुरु साहिब विचरदे कह दिओ गज के सतनाम और तुहाडे जमुना पार आ जाइए इथों दी फिर वखरी वड्याई है रागी स्टेज ते बैठा ही है वो समझदा कीर्तन मैं कर रहा पर संगत दा इन्ना प्यार है संगत सारी कीर्तन आप कर रही आखो सतनाम सारिया संगतां अद्धा घंटा अपने को डेढ़ बजे भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी जी ने बैठना गुरमुख प्यारिया ने ते दास दी भावना दो गल्लां करनी है शब्द सुन रहे हो गुरु नानक जा को भया दयाला पहली गल ते दयालता वड्डी किली तुसी फील ना करो कई बारी तुसी कोई जिंदगी च प्रॉब्लम आती है उहदे लई वखरा नेम बधांदे हो कई बारी मन च हुंदा है पता नहीं झोली भरनी कि नहीं आखो साधना पता नहीं काम होना है कि नहीं कई बारी एक पौड़ी चढ़े हुंदे हो नहीं 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 झोली भरेगी नहीं नहीं तो चिती जी है नहीं 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 झोली भरेगी आज सत्संग मिले एक पौड़ी होर चढ़े इथे ना रो पता नहीं झोली भरनी की नहीं इथे ना रो नहीं नहीं झोली भरनी है दुचिती जी आज सत्संग मिले तीजी पौड़ी चढ़ो केड़ी मेरे बाबे नानक दी दयालता इन्नी वड्डी है झोली भरनी एक पासे तेनू दूजियां दियां झोलियां भरन वाला बना सकदा यह सच्चाई है इन्हें अमीर हो तुसी वो आपां एक दो लाइना बोलते होंगे ना मौज में अगर आ गए कतरे से दरिया कर दिए मौज में अगर आ गए कतरे से दरिया कर दिया नदरें रहमत जिस पर पड़ी बंदे से खुदा कर दिया साढ़े गुरु गोबिंद सिंह इन्ने बड़े गुरु नानक इन्ना वड्डा सिख नू खुदा तक बना सकते आखो साहिब खालसा मेरो ए तीजी पौड़ी ते गुरु की दयालता इन्नी वड्डी है वो झोलियां अगों भरन वाला तुहाडे सामने ही है मैं केड़ी केड़ी दलील दियां
Discover the trendiest collections of kurta, suits and saris at amazing prices. Buy har occasion ke liye fashion from your favorite brands. Ya kijiye latest trends ko mix and match. आज किसे ले अमृतसर आओ चाटीमिंट चौंक बाबा दीप सिंह का स्थान जिथे लख डेढ़ लख बंदा रोज़ शीश झुका ऐतवार जिमें अज तकरीबन चार पांच लख बंदा शीश झुका संगत चुपहरा कटदी है चुपहरे की अरदास होंदी है ते किन्ने किन्नियां रूहां सूई सुट्टण की जगह नहीं होती इतना संगत प्यार ना कर रही होती किसी वेले उत्थे जाके पुछो चपहरा कट्टण वालियां नूं तुहाडी की झोली भरी है ते तुसीं खुद कहोगे कि गुरु की दयालता किन्नी वड्डी है बाबा दीप सिंह सिख ने गुरु दे पर अज बाबा दीप सिंह दे दर तों लखां दीआं झोलियां भर रही हैं कि जकारा दिओ प्यार दयालता इन्नी वड्डी इन्नी वड्डी एक नहीं भाई तारू सिंह जी भाई तारू सिंह जी का जन्म स्थान है भूला साहब कभी अमृतसर आओगे 40 मिनट का राय उतो गड्डी कुदरती भाई तारू सिंह जी के जन्म स्थान की कार सेवा उन्होंने झोली च पाई मैं हफ्ते च एक बार ही जाना पैंदा उस सारिया ड्यूटियां गुरु साहब ने आप ही वरत के लाइया हुई एक दिन मैं हफ्ते सारा वेखना हुंदा मिस्त्री मजदूर जो ठेकेदार इंजीनियर ये मैं दिल की गल कर रहा 10 साल हो गए कार सेवा गुरु साहब मैं जो नवा नवा गया नहीं ते दो तीन बीबियां भाई तारू सिंह के स्थान तो इन्ना इन्ना ना इन्ना मेरी बुक जिन्ना घा घा तोड़ के खड़ दी पी घा मैनू पता नहीं मैं नवा नवा उस पिंड पिंड ने सारे तो मैं वह बीबिया पुछ लिया मैं बीबी वह भी उत्थे जेडे बने ने बाग या होर मैं घा क्यों आप जी ले जा रही जे इन्ना इन्ना बुक उन्होंने बीबिया का की जवाब सी कहिंदे वीर जी ये पिंडां दी मैं गल कर रहा कहिंदे वीर जी ये अज तो नहीं साडे वड्डियां तो चलिया आ रहा साडा जदों पशु बीमार हो जाए असी भाई तारू सिंह के स्थान तो इन्ना घा तोड़ के पशु नूं खवाने आ साडे पशु राजी हो जाए इहनूं की कहोगे इहनूं की कहोगे तुसीं ये चीजां अंदर वसाओ। हाय मैं हूं शेफ रणवीर ब्रार और मैं आ गया हूं आपका ब्रेकफास्ट का नजरिया बदलने के लिए विद सम क्विक नरिशिंग एंड टेस्टी रेसिपीज ऑन एक गुरु का सिख भाई तारू सिंह जी उन्होंने स्थान से घा ही लगा तो भावना नाल देंदे पशु नूं कहिंदे साडे पिंड होंदा ना कभी दुध घट गया पशु का दुध सुक गया प्रॉब्लम आ गई उन्हां गदैरा होंदा आमदन का भोले पा भाग भी लगते इहनूं की कहांगे गुरु की दयालता किन्नी वड्डी होएगी एक सिख दे सिर ते हाथ रखे तो किवें झोलियां स्थान तो भर दियां कह दिओ गज के सतनाम तुसीं कुछ लै लो बाबा बिधि चंद जी लै लो गुरु हरगोबिंद साहब दे बड़े प्यारे सिख होए ये मैं 5 मिनट सिर्फ गल कर रहा दयालता वड्डी किन्नी है अंदर वसे मैं गुरु की कृपा ना कहना जदों दयालता वड्डी नज़र आएगी तुहानूं गात्रा भी प्यारा लगेगा चुन्नी भी प्यारी लगेगी कड़ा भी केस भी कशहरा भी कृपान भी जो चानना हो जाएगा दयालता इन्नी वड्डी हुण बाबा बिधि चंद जी गुरु हरगोबिंद साहब दे किन्ने आनन प्यारे सिख ये कईयां नूं नहीं पता माता गंगा जी ने ते होर जड़ियां महाराज दे गुरु हरगोबिंद साहब दे महल ते गुरु हरगोबिंद साहब दे माता जी माता गंगा जी उन्होंने बिधि चंद जी लाड़ना कहा बिधि चंद जी तुहानू छेवें पातशाह जिधर भेजदे आ फतेह करके आंदे हो जिधर भेजदे आ तुहानू पता घोड़ा आया सी गुलबाग दिलबाग उन्हें रख लए फिर
महाराज भेजा भी संगत के घोड़े है, संगत की मानत लैके आओ। आखो साधन हाँ बड़ा औखा काम से। वो मतावं कहदियां भी जिधर भेजते हैं तुम काम फतेह तो लाड़ ज कहता फलाना काम कराओ ता मनीए ता मनीए। बाबा बिधी चंद जी ने मतावं के हुक्म च बड़ा औखा काम से वो कर दिता। मैं खुल के नहीं दस सकता जो कर दिता ना तो सुनियो माता गंगा जी ने बचन किया। गुरु हरगोबिंद साहब के माता जी ने कहते बाबा बिधी चंद जी इन्ना गुरु का प्यार खटिया इन्ना गुरु का प्यार। माता गंगा जी कहते बाबा बिधी चंद जी जाओ असी बचन करते हैं धरती दे किसी का काम रुक जाएगा। काम जायज होवे लोभ ना होवे नजायज ना होवे धरती दे किसी का काम रुक जाएगा। जपजी साहब का ओट आसरा लैके तुहाडा नाम विच बोल के अरदास दे अरदास करनगे उन्हां दे कारज पूरे होने पूरे होने। दयालता इन्नी वड्डी अगो झोलियां भरन वाला बना देती इतनी वड्डी। वेलकम टू शर्मास की संडे। हैप्पी ब्रेकफास्ट विद बेटी क्रो। हुण अगे जावां समा ना लग जाए भाई साधु ते भाई रूपा हुण दोवें प्यो पुत्र उन्हूं इतिहास लिखा मटका। हुण अज वांगू हैंड पंप जां कोई टूटियां नहीं सी हुंदियां फिर लकड़ियां कट्ठियां करनियां चुननियां उहदे चों रोटी कढ़नी। भाई साधु उहदा बेटा भाई रूपा उह घरों मटका नाल लै जांदे मटका प्यास लगे ते उह मटके नूं ना दरख्त नाल बन्न दिंदे सी। हुण दोवें प्यो पुत्र अपना जो लकड़ियां जो थोड़ा बहुत करते पे है तो पुत्र नूं प्यास लगी वो पानी पीण लई ना मटका लाण लगा तो मटके नूं हाथ लाया तो ठंडा पड़ा क्योंकि दरख्त दे थले छां सी ते हवा वगण नालो दिन गर्मियां दे सी पर वो हवा नालो पानी ठंडा इंज हाथ ला के ना पानी बड़ा ठंडा तो पिता जी आवाज दिता कहता पिता जी पानी ठंडा बड़ा गर्मी अत दी पानी ठंडा। अगो पिता जी कहते भाई साधा जी भी बेटा पी लै प्यास लगी है कहता नहीं पिता जी पानी ठंडा बड़ा तो बेटा फिर पी लै प्यास लगी तेन कहते नहीं पिता जी पानी इन्ना ठंडा मेरा दिल करता पहले गुरु हरगोबिंद साहब पीण फिर मैं पीवा। आखो साधना बेटा हुण तेरी मर्जी लाला फिर चौंकड़ा कर याद कहिंदे पहले तां घंटा कम करी गए नाल याद करी गए छेवें पातशाह दर्शन दिओ पाणी तुसीं पीओ पहले फिर असी हुण जदों फिर निढाल हो गए वह भी डिग पिया वह भी डिग पिया। गुरु हरगोबिंद साहब ती को उदों को चलदे ती को दूर ने अपने सांडू दे घर साईं दास जी महाराज का सांडू सी साईं दास उन्हां दे घर लिखिया भी मंजे ते लम्मे पए ने दुपहर अत दी दुपहर गर्मियां दे दिन और तुहानूं आनंद आएगा गल सुन के शरदा ऐ हुंदी है महाराज की साली पखा चल रही है। माता दमोदरी जी की वड्डी भैण क्योंकि साईं दास की घरवाली साईं दास संडू है हमारा ते उहदा नां है बीबी रामो महाराज साली दा इस पूरी श्रद्धा सी और यह चीज़ां ले आया करो। साईं दास इन्नी श्रद्धा सी कि उहदा यतन हुंदा सी हफ्ते च एक दो पिंड रोज नवें गुरु हरगोबिंद साहब दे कोल संगत लैके आंदे सी ते रोज एक दो पिंड हफ्ते दे एक दो पिंड नवें जोड़ने। आखो सतनाम एडे विगे पे सिखी ते आए टुट्टियां नूं जोड़ आप तो जुड़ना ही ते साईं दास दे घर मंजे दे उत्ते महाराज राम कर रहे ते तुहानूं गल वधिया लगेगी आ जिहड़ी
ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਵਾ ਆਵੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਠੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਅਰਕ ਛਿੜਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਅਰਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲੀ ਦਮੋਦਰੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਅਰਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਕਿੱਥੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਕਿੱਥੇ ਪੱਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕਦਮ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ 30 ਕੋ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਲ ਛਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੱਭੇਗਾ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰੀਝਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੀਝਿਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੀਝ ਪਿਆ ਆਖੋ ਸਾਥ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜਿਹਨੇ ਛਕਿਆ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਬਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਇਰਦਾ ਰੱਖ ਖੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁਰਿਆਈ ਲਈ ਵੀਰ ਰਸ ਰੱਖ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟੇ 'ਚ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਠਾਸ ਰੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਮਾਓ ਉਹ ਕਮਾਓ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੋ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੋਹ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ 4 ਕੋਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਆਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੋਹਰੀ ਗੱਡੀ ਮੋਹਰੀ ਗੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਅਨਹਦ ਪਾਣੀ ਪੂੰਜ ਅਨਹਦ ਪਾਣੀ ਪੂੰਜ ਅਨਹਦ ਪਾਣੀ ਪੂੰਜ ਅਨਹਦ ਪਾਣੀ ਪੂੰਜ ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ ਅਨਹਦ ਸੰਤਨ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਹਾ
दसो गुरु झोलियां भरदा है दयालता किन्नी वड्डी है एक लकड़ियां चुनण वाले एक पानी ते शरदा रख ली पहले तुसी पियो फिर असी आखो साधना ते महाराज ने कहा ए लाके दी मंजी तुहानूं सौंपी अज तो बाद रसना नाल गुरु हरगोबिंद साहब कहिंदे भाई रूपा जी जिहदे वास्ते कोई वचन करोगे वह पूरा होएगा उहदी झोली भरेगी आखो साधना ये 10-12 मिनट लाए ने दयालता वड्डी किन्नी ते हुण सेवा लैणी 11 मिनट रह गए अपने ते हुण सेवा लैणी दयालता मिलदी किवें आखो साधना तुसी केड़ा काम करो उत्थों दयालता चल के तुहाडी झोली च ये मिलदी किवें है हुण आ सेवा लैणी एक वारी पहले पढ़ियो प्यार नाल जी गुरु नानक जा को पया दयाला गुरु नानक जा को पया दयाला सो जन होआ सदा निहाला सो जन होआ सदा निहाला सो जन होआ सदा निहाला ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁਰਾਇਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਢੇ ਕੁ 10 ਵਜੇ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਆਰਾਮ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆਰਾਂ ਕੁ ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡੀ ਵਾ ਵਗਦੀ ਪਈ ਉਹ ਸਰਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਜੋ ਰਾਈਟਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਠੰਡੀ ਵਾ ਵਗਦੀ ਪਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਲੇਟ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਟਣ ਤੋਂ 15-20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜਾ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ 3 ਫਕੀਰ ਨੇ ਠੰਡ ਅੱਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਫੁੱਟ ਦੂਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲਦੇ ਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲਦੇ ਆ ਆ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ
तेरी किरत की है? कहिंदा जी लकड़ियां चुणदा फिर वेचदा ते घर दी रोटी निकलदी है, उहदे नाल फिर रोज दा मैं प्रशादा छकदा परिवार भी। बाबा जी का जवाब सुनियो बाबे नानक दा, गुरु नानक साहब कहिंदे तू भावना नाल पुछ लिया तेरी हाजरी लग गई, तू भावना नाल पुछ लिया ना तेरी हाजरी लग गई, तू ये हुण जाके वेचनी है ते बच्चियां दी पत्नी दी घर दी रोटी कढ़नी है, मर के तेरी हाजरी लग गई, इहनू वेचेगा ते रोटी कढ़ेगा नहीं ते फिर किवें सर्कल रुक जू, ते तू भावना नाल पुछ लिया तेरी हाजरी लग गई। एक मिनट ना सोच के ना फिर बोलिया वो लकड़ी वाला, कहिंदा महाराज जी मैं एक मिनट सोचिया। गुरु नानक साहब कहिंदे की सोचिया? कहिंदा जी कल दा राशन हैगा घर आखो साथ नाल जरा सुनियो, कहिंदे महाराज कल दा राशन घर हैगा ते मैनू सेवा कर लैण दिओ आखो साथ नाल। ते मेरे महाराज गुरु नानक साहब तुहाडे महाराज कहिंदे परसों की करेगा, कल दा राशन हैगा परसों की करेगा? ते कहिंदा महाराज जिन्ने कल दा भेजिया परसों का भी भेज देगा, मैं सेवा कर लैण दे। हुण वेखियो जरा दयालता मिलदी किवें है, महाराज कहिड़ी चीज़ ते खुश हो गए? कहिंदे है ते लकड़ियां चुण के रोटी कढ़दा पर इहनू रज रज समझदे हो, इहनू रज दी दात मिली होई है, इहनू रज मिलिया होया है। कईयां कोल लखां करोड़ां ने पर रज नहीं है, रज नहीं। गुरु नानक साहब खुश हो गए उहदा रज वेख के, भी इन्ना क सर्कल लकड़ी चुननी एक दिन दा राशन है घर सारा, तां वी कहिंदा सेवा दी हाजरी ला ला, पता नहीं मौका मिलना है कि नहीं। एडा रज आखो साधना, एडा रज। जिन्नियां संगतां बैठियां जे गल चो गल निकलांदी है, रज रख्या करो बड़ा जरूरी है। गुरु नानक रज ते खुश हुंदा, दयालता तां चल के आएगी जे अंदर रज्या होएगा। जे तुहाडे च कोई करियाणे वाला जदों तोल तोलना खंड दा किसे चीज दा कुछ होर दा थोड़ा वध तोलिया करो, कभी यही सोचना सोई विचे होवे इधर नूं होवे, वध तोलिया करो, खुला सुभा रख्या करो, जिथे इंज वध तोलिया जावे उस गले च गुरु नानक दियां दोवें मुठ्ठां खुलदियां। रज ये बजाजी का काम है, चार मीटर कपड़ा देना अद्धा इंच वध देना, सानू आ सिखाई किरत, सानू आ कारोबार सिखाया, क्योंकि एक गुरु नानक है जिन्होंने नौकरी भी करके विखाई है, खेती भी करके विखाई है, दुकानदारी भी करके विखाई। आखो साधना, या जिन्हें मेरे समेत बैठे हो दुकानदारी हो बहुत, मैं बोल देना एक बारी दुकानदारी कीती कितने ते किहो जी कीती, तुसीं भी इहो जी करिया करिया। बेबे नानकी दा वेड़ा जिथे तोले तेरा तेरा, बेबे नानकी दा वेड़ा जिथे तोले तेरा तेरा, बोलो बेबे आ तेरा तेरा बेबे हा हा हा
ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਬਣਾ ਆਹ ਤੇਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਰੱਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਰੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਜ ਵੇਖਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੀ ਦਿਵਾਲੀ ਲੰਘੀ ਸੀ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਰੋਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਦਿਵਾਲੀ ਲੰਘੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ ਅਤੇ 30-40 ਰੁਕੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 30-40 ਰੁਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਤਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰੁਕੇ ਸੋਧ ਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸੋਧ ਲੈ ਉਹ ਉਤਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਸੋਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਖੱਟਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਥੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜੋੜ ਵਿੱਚ 2000 ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 2000 ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੁੱਕਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ 2000 ਵਾਪਸ ਲਾਂਗਾ ਚਲੋ ਸੌਦਾ ਰਿਹਾ ਰੁਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਨਾ ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 2000 ਖੱਟਿਆ ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ 1000 ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਆਵਾਜ਼ 2000 ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਸੁਣਿਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਆਵਾਜ਼ 2000 ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 2000 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੁਣ 1000 ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜੋੜ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੱਟ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਆ ਆਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਹ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋੜ 'ਚ ਰੁਕੇ 'ਚ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਰੁਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 1000 ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਦਿਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆਪ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੁਣਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਓ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਦੇਗਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ 100-100 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਲੈ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ 'ਚ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਝੁਕੇਗਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਝੁਕੇਗਾ ਪਾਗਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿੱਖ ਚੋ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖ ਚੋ ਇਹ ਰਾਜੇ ਆਹ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਖੋ ਸਾਧਨ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਆਪਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ 6-7 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਕਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਕਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਈਆਂ 6 ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ
पंजी भी पच्ची रुपये कोई सब्जी दे लाने भुल गया सी कहने दिन चंगा चढ़िया इत्थे गुरु नानक खुश होएगा आखो सतनाम ये बीबीओ तुसी अपने ते भी लैणा साड़ी आ तेरा तेरा जिंदगी असूलों च होवे कह दो गज के साथ जिंदगी असूलों च तो दास इन एक गल कह रहा वीर जी आ गए ने गुरमुख प्यारे भाई मनप्रीत सिंह जी के गुरु नानक साहब ने उन्होंने आख्या रज वेख के कर लै सेवा हूँ जेडी भाई वीर सिंह लफज लिखे सुने भाई मरदाना जी उठे वो लकड़ी बलदी पई बड़ा निग बनया पे वो भाई मरदाना जी कहते जो मैं लेटिया उदों तो ठंड बड़ी तो बाबा जी ये सेवा कौन कर गया तो गुरु नानक साहब कहते बड़ा ही प्यारा मरदानिया जिन्हों अत की गरीबी एक दिन की रोटी राशन घर पर उन्होंने रज मिले ये वो कर गया आखो सतनाम तो भाई मरदाना जी कहते जी मैनू दर्शन क्यों नहीं कराए तुम मैनू दर्शन क्यों नहीं कराए वे एड्डी प्यारी रूह महाराज कहते असी क्या तू आराम कर लै सवेरे फिर चल सो चल लै तू आराम कर लै तो गुरु भाई मरदाना जी कहते तुसी उन्हें कुछ जरूर दिता होना यह गल सुने मैं काली च बोलनी पै रही तुसी उन्हें जरूर कुछ दिता होना एडे प्यार वाले तुसी जरूर कुछ दिता होना मैं पता तुसी उन्हें जरूर कुछ दिता होना तो पता की क्या गुरु नानक साहब ने भाई वीर सिंह कहते होली जी सिर ला के कहें हाँ लै तो गया आखो सतनाम हाँ लै तो गया गोडा ला के कहते भाई मरदाना जी मैनू दसो की लै गया मैनू दसो की लै गया तो गुरु नानक साहब कहते मैं ओदा रज वेख के खुश हो गया मैं ओदा रज वेख के खुश हो गया तो मरदानिया पता की लै गया मैं ओदा रज वेख के खुश हो गया तो ओदे अल वेख के फिर मैं उन्हूं दात देती महाराज की दिता मैनू दसो भाई वीर सिंह ने लफज लिखे गुरु नानक साहब कहते मरदानिया ओदा रज वेख के ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਉਹਦਾ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਦਾਤ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ अगला जन्म एदा महापुरश का होएगा एदे हथों कई टुटिया रूहां जुड़न गियां एक जकारा दे प्यार नाल आ जे गुरु नानक सत श्री अकाल अपना सब्जेक्ट चलिया सी दयालता मिलदी किवें दयालता मिलदी है तेरी किरत तेरा तेरा हो दयालता मिलदी तेरे अंदर रज होवे ये गुरकवाल सिंह नहीं कह रहा तुसी रोज पढ़ते हो सुमनी साहब बिना संतोख नहीं कहू राजे सुपन मनोरथ बिरथे तो राज दी दूजी निशानी तीजी निशानी फिर जदों समा बनया आप जी दे दर्शन करांगे एक आ संगत नूं बेनती है चिप वेख लो ये सिर्फ ये चिप है जी इहनूं कनैक्शन देना है ये 550 सालां नूं समर्पित जो प्रोग्राम ये करा रहे ने शब्द चौंकी जथा गुरुद्वारा शीशगंज साहब इन तुम सिर्फ बिजली का कनैक्शन देना है तो चार वारी वाहगुरु दो वारी धन गुरु नानक देव जी तुम चाहो घर अद्धा घंटा चलाओ चलाओ घंटा चलाओ चाहो दो घंटे चाहो 24 घंटे होली बाज कर लो तेज कर लो दो जाप होरने मतलब ये 550 साल बनाई है भी थोड़े खेचल भी ना हो सारा दिन कमरे गुरु नानक का ना तो वाहगुरु शब्द गूंजता रहे वाहगुरु गुरु नानक है गुरु नानक वाहगुरु जी ये बार स्टार लगा है 15-20 मिनट लगा रहेगा अद्धा घंटा आप जी एक किताब सीडिया रसाले ये आप बारों लाभ लै सकते हो।
हूँ एक करिए पंक्तियां पढ़िए अगलिया निशानियां फिर आधार रह गई भी दयालता मिलती किवें है होर भी इहदियां निशानियां इको सांझी हुई है साढ़े अंदर रज आ जाए किसे दा देना ना भुले आखो सतनाम गुरु नानक दी दयालता साढ़े कोल चल के आ जाएगी सारे पढ़ियो प्यार दे नाल गुरु नानक जाको पया दयाला गुरु नानक सत्कार वजो जो संगत माया भेट कर गई है आप जी का एक एक पैसा विधवा बीबिया के मुख च दो हस्पताल दो सरावान बाबा दीप सिंह का जन्म स्थान भाई तारू सिंह जी का जन्म स्थान दोवें मान शहीदा के जन्म स्थाना की कार सेवा ये सारी माया इन्होंने कार्यों लिए वरती जाती है शब्द चौंकी जथा गुरद्वारा शीसगंज साहब दारिया रूहां मैंबर बधाई समागम दियाँ बड़ी प्यारी रूह भाई मनप्रीत सिंह जी गुरमुख प्यारे आप जी दे सन्मुख आ रहे ने इस तरह टिकाओ च आनंद मानना ते इत्थों दे महापुरश संत अमरदीप संत फमन सिंह जी तो बाद उन्हां नूं सेवा झोली च पई उन्हां वल्लों भी जी आया नूं ते आ एक सारी संगत नूं बेनती है बार स्टाल लगा जेडे गुरमुख प्यारे भाई मती दास चैरिटेबल सुसायटी 10 नवंबर नूं लिखती पेपर है गुरमत लिखती पेपर इसे स्थान ते ये बारों सटाल तो सारा उन्हां कोलों किताब लै सकदे हो फ्री ते अपना नां दर्ज करा सकदे हो ते बहुत बहुत सारी संगत दा धन्नवाद हुण सैकटरी साहब गुरमुख प्यारे आप जी दे दर्शन कर रहे ने ते सारी संगत नूं बेनती है भी हुण अमृतसर वापस निकलना है उत्थे दीवान ने चीफ खालसा दीवान वल्लों ते दास कोई कीर्तनिया बन के नहीं बहिंदा कोई दास रागी बन के नहीं बहिंदा मेरी बेनती है मैनू बाबा आनंद सिंह ने पढ़ाई कराई है संगत वड्डी है आखो सतनाम दास तुहानू परमेश्वर रूप समझ के बहिंदा ते भुल्लां बख्श लैणियां चंगी गल लैके जानी ते सारी संगत कोलों मैं झोली अटदा पंज वारी वाहिगुरु कह के अगले सफर अगले दीवान घरेलू तौर पर संस्थावां दे तौर पर पढ़ते महाराज कजन वाल लगी रहे असीस दे दिओ सारे मंगता बन के मंग रहे दिओ असीस संगत च ताकत है फिर नाल ही फतेह बुलावांगे पंज वारी वाहिगुरु कह के वाहे गुरु 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 असीसां देना जी सब नू जी आया नू जी आया नू साडे मीडिया भाजी ऑपरेशन तो बाद ओ भी संगत जाए जी आया नू सारिआं नू जी आया नू फतेह सीस दिओ वाहिगुरु जी खालसा जी चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साडी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचदी रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भुलना जी।